आइए बच्चों, आज हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हाफ पार्ट सिखाते हैं, जिसमें हम कुछ सब्जेक्ट्स लेंगे, जैसे ही, सी, इट और नाउन सिंगुलर, क्योंकि सबसे ज़्यादा गलतियां बच्चे यहीं पे करते हैं। आइए देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ता है, ती है, ते है। अफर्मेटिव अर्थात सकारात्मक वाक्यों में ही, सी, इट और नाउन सिंगुलर, इनके साथ वर्ब फर्स्ट प्लस एस अपॉन ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल है। यानी ही, सी, इट, नाउन सिंगुलर में वर्ब फर्स्ट में एस या ईएस जोड़ा जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। अब जिस वर्ब के अंत में ओ, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स या जेड आता है, उनमें हम ई एस जोड़ते हैं, और जिनमें ऐसा नहीं है उनमें एस जोड़ते हैं, ये बात ध्यान रखें। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल। ही राइट्स, वह लिखता है। सी प्लेज, वह खेलती है। इट रेन्स, वर्षा होती है। रामू लाप्स, रामू हंसता है। ही टेक्स मिल्क, वह दूध लेता है। सी वियर्स न्यू क्लोथ्स, वह नए कपड़े पहनती है। ए डॉग बार्क्स, एक कुत्ता भौंकता है। सी गेट्स एंग्री, वह गुस्सा करती है। He leaves in time, वह समय पर जाता है। गीता peels potatoes, गीता आलू छीलती है। It creeps slowly, यह धीरे धीरे रेंगता है। She makes fun of Wanda, वह वंडा का मजाक बनाती है या वंडा का मजाक उड़ाती है। सी वियर्स फेडिड ब्लू ड्रेस, वह फेडिड जिसका रंग उतरा हुआ हो ऐसी ब्लू ड्रेस पहनती है, वह रंग उतरी हुई नीली ड्रेस पहनती है। ही स्टॉक्स, वह अकड़कर चलता है। इन हिज केज, अपने पिंजरे में, ऐसे आराम से जोड़ के भी बना सकते हैं। मिज प्लेज विद मार्बल्स, मिज कंचे से खेलता है, मार्बल्स छोटी छोटी कंचे आपने देखी होंगी। बोली स्टेमर्स, बोली हकलाती है। एने राइट्स ए डायरी, एने एक डायरी लिखती है। मिस्टर किसिंग असाइंस हर होमवर्क, मिस्टर किसिंग उसे होमवर्क देते हैं। वंडा विंस द मेडल, वंडा मेडल जीतती है। सी मेक्स 100 ड्रेसेज, वह 100 ड्रेसेज बनाती है। मैटिल्डा रुइंस हरसेल्फ, मैटिल्डा स्वयं का विनाश करती है। आइए अब आगे देखते हैं। नेगेटिव, नेगेटिव में अब मैंने ही, सी, इट, नाउन सिंगुलर की जगह सब्जेक्ट लिख दिया है, उसके बाद डज नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट, यानी अब डज आ गया तो वर्ब फर्स्ट में अब ऐसी आई एस की जरूरत नहीं है, क्योंकि डू में ई एस लग के डज बन गया यहाँ पे। तो सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं। ही डज नॉट स्टडी, वह नहीं पढ़ता है। सी डजंट काउंट, वह नहीं गिनती है। डज नॉट का शॉर्ट रूप डजंट है, ये ध्यान रखें। द डॉग डज नॉट बाइट, कुत्ता नहीं काटता है। इट डजंट क्रावल, यह नहीं घसीटता है। क्रावल का मतलब घसीटना, जैसे खुद ही घसीटते हैं या कोई दूसरा घसीट देता है। वीर डज नॉट प्ले, वीर नहीं खेलता है। मदर डज नॉट गो आउट टुडे, माँ आज बाहर नहीं जाती है। सी डजंट हेल्प मी इन टाइम, वह समय पर मेरी मदद नहीं करती है। फादर डज नॉट गो इन ऑफिस टुडे,
पिताजी आज ऑफिस नहीं जाते हैं। ग्रैंडफादर डज नॉट वॉक, दादाजी सैर नहीं करते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं, दादाजी नहीं चलते हैं। ग्रैंडमदर डज नॉट लाइक मी, दादी मुझे पसंद नहीं करती है। अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इसमें प्रश्नवाचक होते हैं, तो ही सी इट और नाउन सिंगुलर के आगे डज आ जाएगा। जब भी आगे डज आएगा तो क्या का अर्थ देगा ये, जैसे देखते हैं, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट और इंटरोगेटिव साइन। डज सी टीच, क्या वह पढ़ाती है। डज ही राइट, क्या वह लिखता है। डज सी वेलकम यू, क्या वह आपका स्वागत करती है। डज ही कम एट योर हाउस, क्या वह तुम्हारे घर आता है। डज ही लाइक इट, क्या वह यह पसंद करता है। डज ब्रदर आस्क अबाउट यू, क्या भाई तुम्हारे बारे में पूछता है। डज ही टीच वेल, क्या वह अच्छा पढ़ाता है। डज मदर बाई ए शर्ट, क्या माँ एक कमीज खरीदती है। डज दीपक टेक मिल्क, क्या दीपक दूध लेता है। डज ए स्नेक क्रीप, क्या एक सांप रेंगता है। डज ही हेल्प देम, क्या वह उनकी मदद करता है। डज सी डांस वेल, क्या वह अच्छा नाचती है। आइए अब देखते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव, यानी प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है। तो डज तो अपने स्थान पे ही रहेगा, और ये जो यहाँ पे सब्जेक्ट है ही सी इट और नाउन सिंगुलर का प्रतीक है, क्योंकि मैंने अफर्मेटिव में ओपन करके लिखा हुआ है। तो डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दे, केवल अफर्मेटिव में भी फर्स्ट में ऐसी आई एस थी, उसके बाद जहाँ जहाँ डज आया वहाँ सीधी वर्ब फर्स्ट है। डज ही नॉट स्टडी, क्या वह नहीं पढ़ता है। डज ही नॉट कुक वेल, क्या वह अच्छा नहीं पकाती है। डज द बेबी नॉट च्यू फूड, क्या बच्चा भोजन नहीं चबाता है। डज मदर नॉट स्कॉल्ड यू, क्या माँ तुम्हें नहीं डांटती है। डज ग्रैंडफादर नॉट वॉक फास्ट, क्या दादाजी तेज नहीं चलते हैं, या ऐसे भी सब तेजी से नहीं चलते हैं। आइए अब देखते हैं WH फैमिली। इसमें WH फैमिली क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें WH होते हैं हर वर्ड में। इसमें व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर और हाउ, ये जो है ये डज के आगे आ जाते हैं। यानी WH फैमिली डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट इंटरोगेटिव शाइन। आइए देखते हैं, व्हाट डज सी डू, वह क्या करती है। व्हाट डज ही टीच, वह क्या पढ़ाता है। व्हाट डज मदर थिंक, माँ क्या सोचती है। व्हाट डज द चाइल्ड ईट, बच्चा क्या खाता है। व्हाट डज सी अंडरस्टैंड, वह क्या समझती है। आइए अब क्यों वाले देखते हैं, व्हाई डज ही थिंक सो, वह ऐसा क्यों सोचता है। व्हाई डज सी बिलीव इन गॉड, वह भगवान में विश्वास क्यों करती है। व्हाई डज ए स्नेक क्रावल, एक सांप क्यों रेंगता है। व्हाई डज द डॉग बार्क, कुत्ता क्यों भौंकता है। अब कुछ व्हेन के देखते हैं, व्हेन मीन्स कब होता है। व्हेन डज सी कुक, वह कब पकाती है। व्हेन डज ही गेट अप, वह कब उठता है। व्हेन डज मदर वॉश क्लॉथ्स, माँ कपड़े कब धोती है। व्हेन डज ही गो टू प्ले, वह खेलने कब जाता है। व्हेन डज दीपक अराइव, दीपक कब पहुंचता है। व्हेन डज ही लीव, वह कब जाता है। व्हेन डज फादर कम, पिताजी कब आते हैं। आइए अब वेयर को देखते हैं, वेयर मीन्स होता है कहाँ। वेयर डज ही लीव, वह कहाँ रहता है। वेयर डज सी प्ले, वह कहाँ खेलती है। वेयर डज दीपक वर्क, दीपक कहाँ काम करता है। वेयर डज द लॉयन लीव, शेर कहाँ रहता है।
वेयर डज फादर वर्क, पिताजी कहाँ काम करते हैं। हाउ डज ही गो देयर, अब हाउ मीन्स कैसे, वह वहाँ कैसे जाता है। हाउ डज सी सिंग, वह कैसे गाती है या वह कैसा गाती है। हाउ डज द डॉग बार्क, कुत्ता कैसे भौंकता है। हाउ डज मदर स्कोल्ड यू, माँ तुम्हें कैसे डांटती है। अब हु को देखते हैं, हु में क्या है कि सीधा वर्ब आती है, क्योंकि सब्जेक्ट का स्थान है जो उसके गायब हो जाता है इसमें, मतलब इसमें सब्जेक्ट का स्थान ही गायब हो जाता है, हु ही करता है जो करता है इसमें। जैसे हु प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस SEIS या हु प्लस वर्ब फर्स्ट। हु विंस, कौन जीतता है। हु केयर्स यू, तुम्हारी चिंता कौन करता है या तुम्हारी परवाह कौन करता है। हु हेल्प्स मी, मेरी मदद कौन करता है। हु थिंक्स, कौन सोचता है। तो इस प्रकार हमने ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही सी इट और नाउन सिंगुलर के बारे में आपको पूरी जानकारी दी है। वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। वीडियो को बार बार देखें यदि आप एक अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं तो। थैंक यू।